हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में सुपर फास्ट स्टडी एंड एंटरटेनमेंट में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बहुत ही अच्छी और इम्पॉर्टेंट एक चीज़ आपके लिए लेके आया हूँ, और वो है बेल्ट लेंथ कैलकुलेशन। जी हाँ, लेंथ कैलकुलेशन ऑफ अ बेल्ट, वो भी कन्वेयर बेल्ट का, जो कि बंडल में रखा हुआ है, जैसे कि आपको इस इमेज में दिख रहा है। किसी भी बंडल में, इंडस्ट्रीज में मोस्टली हम बेल्ट यूज़ करते हैं, तो बेल्ट जो है वो बंडल्स में रहती हैं और वो बहुत ही टाइट बंडल्स रहते हैं। तो दोस्तों, आपको बंडल को ही देख करके कैसे पता लगाएंगे आप कि इसका लेंथ कितना है, ये एक कैलकुलेशन से आप निकाल सकते हैं, और उस कैलकुलेशन का फॉर्मूला मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, और अगर आप चाहते हैं मैं इस तरह के वीडियोस अपलोड करता रहूं, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं दावा कर सकता हूं कि ऐसे वीडियो आपको दूसरे YouTube चैनल्स पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल जो वीडियोस हैं वो मैं आपके लिए बनाता हूं, जो कि आपको फील्ड में आपके लिए काम आएंगे। बहुत सारे इंटरव्यूज़ में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्टली मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपके पास एक बेल्ट का बंडल रखा हुआ है, जो भी उसकी थिकनेस है, विड्थ है, तो आप कैसे कैलकुलेट कर लेंगे कि वो कितना लंबा बेल्ट है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यूज में बार बार पूछा जाता है, और आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं इससे पहले जो है मैंने वेट कैलकुलेशन ऑफ एम एस प्लेट का वेट कैलकुलेशन भी मैंने बताया है, वो भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। वेट कैलकुलेशन ऑफ एंगल, बीम्स, चैनल, ये सारे चीज़ मैंने उसमें मेरे YouTube चैनल पे बताए हैं। आप मेरे YouTube चैनल के इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल में जा करके, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जा करके ये सारे वीडियोस देख सकते हैं, और मैं इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो मैं बहुत मेहनत से बनाता हूँ। अच्छा, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो उस कन्वेयर बेल्ट की स्पीड के ऊपर बनाऊंगा, जिसपे आप कन्वेयर बेल्ट के हेड पुल्ली के साइज से आप जो बेल्ट का है वो लेंथ स्पीड निकाल सकते हैं मीटर पर सेकेंड में। तो उससे आप बेल्ट के हेड पुल्ली के साइज से आपको बेल्ट की स्पीड मीटर पर सेकंड में निकालने का फॉर्मूला मैं बताऊंगा, तरीका मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, चलिए पहले जान लेते हैं इस वीडियो में कि बेल्ट, रोल बेल्ट का हम कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं लेंथ का। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सपोज करते हैं कि एक बेल्ट का बंडल हमारे पास रखा हुआ है, जो कि आपके इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये एक बेल्ट का बंडल है, और बेल्ट जो है वो इस तरह से रोल है, इसमें ऐसे राउंड राउंड ये पूरे रोल हैं। तो जो रोल बन रहा है उसका आईडी जो है वो आपका 200 mm है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और उसका जो ओडी है, यानी कि जो बाहर से हम नाप रहे हैं उसका आउटर डाया जो है वो आपका 1500 mm है, ठीक है फ्रेंड्स। और बेल्ट की जो विड्थ है, बेल्ट की जो चौड़ाई है, वो 500 mm का बेल्ट है, 500 mm का रोल है बेल्ट का, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं इस रोल से आपको बताता हूँ फॉर्मूला से कि कैसे आप इस बेल्ट के रोल को देख करके आप इसका लेंथ निकाल सकते हैं कि ये कितना मीटर बेल्ट है। तो इसके लिए आपको दो फॉर्मूला पता होने चाहिए, और मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा, बहुत ही आसानी से आप किसी भी रोल के बेल्ट का आप लेंथ निकाल सकते हैं, चाहे वो 500 का बेल्ट हो, चाहे वो 1000 mm का बेल्ट हो, चाहे वो 600 mm का बेल्ट हो, चाहे वो 800 mm का बेल्ट हो, सब में सेम फॉर्मूला लगेगा, सिर्फ आपको जो ये डाटा है उसको बस चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये डायग्राम तो आपको समझ आ गया होगा, मैं एक और डायग्राम आपको दिखाता हूँ जिससे कि आपको आसानी होगा। जैसे कि ये देख लीजिए, ये बेल्ट का रोल है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एक बेल्ट का रोल है, इसका आईडी 200 mm है, मैं सपोज करके चल रहा हूँ 200 mm है ना, 200 mm का एक रोल है, आईडी 200 mm है उसका, और ओडी जो है वो है आपका 1500 mm, और जो बेल्ट का जो विड्थ है मैंने आपको बताया था वो कितना है, विड्थ है आपका 500 mm। तो अब इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, ये एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर होता है पाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में ओडी, यानी कि आउटर डाया ओडी का स्क्वायर माइनस डी आई, यानी आईडी इनर डाया का स्क्वायर। यहाँ पे ओडी और आईडी है, ये थोड़ा सा डी और डी आई हो गया है, इसको थोड़ा सा आप देख लेंगे, ये आउटर डाया है और ये इनर डाया है।
तो दोनों का स्क्वायर कर लेंगे और मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो यहां पर लेंथ पर वो वाला लेंथ आएगा जो बेल्ट का चौड़ाई है, ये इसको हम यहाँ पर एल में पुट करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले हम इस रोल का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो इस रोल का वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, वो बेल्ट का आईडी कितना था, 200 mm था, लेंथ यानी कि उसका विड्थ जो है वो है 500 mm, और उसका ओडी है वो है 1500 mm। तो मैं सारे डेटा को सेंटीमीटर में ले रहा हूँ, आप किसी में भी ले सकते हैं। 200 mm यानी कि हो गया आपका 20 cm, 500 mm यानी हो गया 50 cm, और 1500 mm यानी कि हो गया आपका 150 cm। तो यहाँ पर मैंने सारे डेटा जो है वो सेंटीमीटर में लिए हैं अपने हिसाब से, आप mm में भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं, चाहे मीटर में भी ले सकते हैं, तो मैंने सेंटीमीटर में लिया है। तो वॉल्यूम ऑफ अ बेल्ट रोल का फॉर्मूला मैंने पुट अप कर दिया यहाँ पे, पाई बाई 4 ओडी का स्क्वायर यानी कि 150 cm का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर जो कि आईडी का स्क्वायर है, मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ये आपका लेंथ है। फॉर्मूला में मैंने वैल्यू पुट किया है और कुछ नहीं किया है, तो पाई बाई 4 की वैल्यू इतनी आई है, और इन दोनों का स्क्वायर निकाल के मैंने पुट अप कर दिया है, मल्टीप्लाई बाय 50 cm। यहाँ पे सेंटीमीटर में है, मैं वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आएगा मेरा वॉल्यूम, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर से इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारा वॉल्यूम आ रहा है बेल्ट रोल का, जो बेल्ट का बंडल रखा है उसका टोटल वॉल्यूम आ रहा है आपका 867,425 cm³। ये आपका वॉल्यूम आया है किसका, जो बेल्ट का रोल रखा है उसका। अब चलिए अब क्या करना है आपको बता रहा हूँ, आपने पूरा बेल्ट के रोल का वॉल्यूम निकाल लिया है, अब आपको क्या करना है, 1 मीटर लेंथ के बेल्ट का वॉल्यूम निकाल लेना है। ये है 1 मीटर का बेल्ट, वही बेल्ट जिसका रोल रखा हुआ है उसका 1 मीटर का वॉल्यूम निकालेंगे। तो ये आपका 1 मीटर का बेल्ट है, तो ये सिंपल फॉर्मूले से निकल जाएगा, लेंथ इंटू ब्रिथ इंटू एल इंटू बी इंटू थिकनेस, ठीक है फ्रेंड्स। तो 1 मीटर के बेल्ट का वॉल्यूम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, लेंथ इसका 1000 mm है, ब्रिथ इसका कितना है 500 mm है, और इसकी जो थिकनेस है बेल्ट की थिकनेस वो 12 mm है। बेल्ट की थिकनेस अलग अलग होती है, कहीं 10 mm का कहीं 12 mm का, तो आप जितने mm की आपकी बेल्ट है उसके हिसाब से आप इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए ये निकाल लेते हैं हम 1 मीटर के बेल्ट का वॉल्यूम, तो ये फॉर्मूला लगा दिए हैं, लेंथ इंटू ब्रिथ इंटू थिकनेस। अब हमारा वॉल्यूम जो है वो यहाँ पर ये mm में है, ये मैंने सेंटीमीटर में, क्योंकि मैंने रोल का जो वॉल्यूम है वो भी सेंटीमीटर में निकाला है, तो ये वॉल्यूम भी मैं सेंटीमीटर में निकालूंगा। तो एक मीटर यानी कि 1000 mm और 100 cm, 100 cm मल्टीप्लाई बाय 500 mm का बेल्ट है तो 50 cm, मल्टीप्लाई बाय 12 mm उसकी थिकनेस है तो 1.2 इसका सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो इसको हम निकालेंगे, तो ये वॉल्यूम आएगा 1 मीटर बेल्ट का 6000 cm³। अब हमको कुछ नहीं करना है, बेल्ट का लेंथ निकालने के लिए हमको ये दोनों डेटा, वॉल्यूम ऑफ बेल्ट का रोल का वॉल्यूम और 1 मीटर के बेल्ट का वॉल्यूम, ये दोनों हमको पता होना चाहिए, फिर हम इस फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट अप कर देंगे और हमारा लेंथ निकल जाएगा। ये फॉर्मूला है लेंथ ऑफ बेल्ट का, आपको वॉल्यूम ऑफ रोल और बंडल, जो वॉल्यूम निकाले थे हम बंडल का या फिर बेल्ट के रोल का, जो रोल था है ना उसका टोटल वॉल्यूम जो कि 800,000 के आसपास आया था हमारा जो आया था, ये है, और अपॉन यानी उससे डिवाइड करेंगे 1 मीटर के बेल्ट के वॉल्यूम का, 1 मीटर लेंथ के बेल्ट का वॉल्यूम। तो हम यहाँ पे दोनों को निकाल चुके हैं, हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, बेल्ट रोल का वॉल्यूम इतना था और 1 मीटर के बेल्ट का वॉल्यूम इतना था, तो जब हम इससे इसको डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा लेंथ आ गया 144.57 मीटर। तो फ्रेंड्स ये जो आपका आंसर आया है ये है आपका लेंथ, बेल्ट का लेंथ। तो आप इस फॉर्मूले से किसी भी बेल्ट का लेंथ आप कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी बेल्ट के बंडल का आप यहां पर लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ऐसी वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, किसी चैनल्स में नहीं मिलेंगी, और मैंने बहुत सारे कैलकुलेशंस और बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस अपलोड किए हैं, तो बने रहिए मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर, क्योंकि ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाता हूँ मैं आपके लिए।
और आगे वीडियो में मैं बनाऊंगा, अगले वीडियो में आपको बेल्ट के हेड पुल्ली के हिसाब से, हेड पुल्ली के से मैं आपको निकालना बताऊंगा कि आपके कन्वेयर बेल्ट का स्पीड कितना है मीटर पर सेकंड में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।